हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नेटफ्लिक्स की धमाकेदार 80+ मूवी ओ रोमोना का एक्सप्लेनेशन। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है क्लब से, जहां हमें देखने को मिलता है फिल्म का मेन कैरेक्टर आंड्रे, जो कि एक 16 ईयर ओल्ड शाय किस्म का बंदा है। और वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिलती है रमोना नाम की लड़की, जो कि आंड्रे की क्लासमेट और उसकी बचपन से क्रश भी है। रमोना इज़ द हॉटेस्ट गर्ल इन हिज होल स्कूल, बट शी इज़ ऑल्सो लिटिल बिट एरोगेंट। देन क्लब में एक और आंड्रे अपने फ्रेंड सिल्वी और अलन के साथ बैठा होता है, और वहीं दूसरी तरफ रमोना अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। तभी आंड्रे के फ्रेंड्स उसे रमोना के साथ हुकअप करने के लिए फोर्स करते हैं, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आंड्रे की मान सड़ हो जाती है। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहां आंड्रे की मॉम आंड्रे को एलन के पास ड्रॉप करती हैं। देन क्लब में आंड्रे रमोना के साथ डांस कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स के कहने पर। रमोना डांस करते करते आंड्रे को सड्यूस करने लगती है और उसे रूम में ले जाती है, और वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी आंड्रे रमोना को फिजिकल होने के लिए मना कर देता है, बिकॉज वो रमोना के साथ सेक्स नहीं रिलेशनशिप चाहता था, बट रमोना जस्ट फिजिकल होना चाहती थी। देन ये सब सुनकर रमोना आंड्रे की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन रमोना आंड्रे को जेलस फील कराने के लिए सिल्वियो के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, और ये सब देखकर आंड्रे अपनी मम के साथ वेकेशन पर चला जाता है। और वहाँ उसकी मुलाकात एक होटल की रिसेप्शनिस्ट एनिमोना से होती है, जिसे देखकर आंड्रे को उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, और वो उसे डेट के लिए अप्रोच करता है, बट वो उसे मना कर देती है। पर वो बाद में दोनों बीच वॉक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एनिमोना आंड्रे को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, बट स्टिल आंड्रे एनिमोना को इम्प्रेस करने के लिए डांस और सिंगिंग करता है। देन थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसी दौरान रमोना आंड्रे को कॉल करती है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आंड्रे एनिमोना से मिले रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। देन थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो उसे होटल के पूल के पास सैर दिखाई देती है। देन एनिमोना आंड्रे को बताती है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है। आपको बता दें, एनिमोना को इसलिए फायर किया गया था बिकॉज वो कल रात आंड्रे के साथ थी, जो कि होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। देन ये सब सुनकर आंड्रे बहुत सैड होता है और अपने आप को गिल्टी समझने लगता है, लेकिन एनिमोना आंड्रे को समझाती है और उसे गले लगा के वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद आंड्रे भी अपने घर वापस चला जाता है। तभी उसे बीच रास्ते में रमोना का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो काफ़ी सैड है और वो उसके घर जल्द से जल्द आ जाए। देन आंड्रे रमोना के घर उसे पूछता है क्या हुआ, और उसे बताता है कि अब उसकी भी गर्लफ्रेंड है। देन थोड़ी देर बाद उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। आपको बता दें, फाइट इसलिए हुई थी बिकॉज आंड्रे रमोना को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा होता है। देन रमोना आंड्रे को बताती है कि वो पुलिस को झूठ बोलेगी कि तुमने उसको असॉल्ट करने की कोशिश की है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ रमोना ने पूरे स्कूल के सामने एक और झूठ बोला है कि आंड्रे ने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की है। देन एक बार फिर आंड्रे की पूरी क्लास के आगे इंसल्ट हो जाती है। देन उसके बाद आंड्रे घर आकर एनिमोना का नंबर फाइंड करता है, देन उसे कॉल करता है, और वो दोनों एक क्लब में मिलने का प्लान करते हैं, जहाँ वो दोनों एक बार फिर वॉशरूम में इंटीमेट हो जाते हैं, और ये बात क्लब के बाउंसर को चल जाती है, जो कि उसे मारता है, जिसके कारण आंड्रे को चोट आई होती है। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है एनिमोना के घर पर, जहां वो आंड्रे को दवा लगा रही होती है। देन थोड़ी देर बाद आंड्रे एनिमोना से पूछता है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताएगी या नहीं, लेकिन एनिमोना आंड्रे को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, और जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो सब रॉन्ग था। और आंड्रे ये सब सुनकर बहुत सैड होता है और वहाँ से चला जाता है। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ रमोना ने आंड्रे के बारे में एक और झूठ स्कूल में बोल दिया है कि एलिन और आंड्रे दोनों गे हैं, इसलिए उस रात क्लब में मेरे साथ फिजिकल होने के लिए आंड्रे ने मना किया था। देन एक और बार आंड्रे पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा हो जाता है, और फिर आंड्रे और एलिन फाइनली रमोना से रिवेंज लेने का प्लान करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लान, आंड्रे अपने आप को गुड लुक्स में ट्रांसफॉर्म करके रमोना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसे धोखा देना चाहता था। सो प्लान के अकॉर्डिंग आंड्रे अपने आप को गुड लुक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और नेक्स्ट डे रमोना उसे पार्टी में देखकर काफ़ी इंप्रेस होती है। देन वो उसे डिनर के लिए पूछता है, मगर वो मना कर देती है बिकॉज वो अभी भी सिल्वियो के साथ रिलेशनशिप में थी। आंड्रे और एलिन एक और प्लान बनाते हैं रमोना और सिल्वियो के ब्रेकअप कराने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्लान, आंड्रे और एलिन सिल्वियो को रमोना के सामने इंसल्ट फील कराना चाहते थे थ्रू कालरा, जो कि उनकी क्लासमेट है, जिसके साथ सिल्वियो ने पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। प्लान के अकॉर्डिंग आंड्रे और एलिन सिल्वियो के नाम का लेटर कालरा की बेंच पर रख देते हैं, जिसमें लिखा होता है वुड यू बी माई लाइफ पार्टनर। देन वो लेटर का रिप्लाई करने के लिए कालरा सिल्वियो के पास जाती है और बोलती है आई वुड लव टू बी योर लाइफ पार्टनर, और सिल्वियो ये सुनकर कालरा को इंसल्ट फील करा देता है। देन कालरा पूरी क्लास के सामने उसके और सिल्वियो के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। देन रमोना ये सब सुनकर सिल्वियो के साथ ब्रेकअप कर लेती है और आंड्रे को डिनर के लिए हाँ बोल देती है। देन वो डेट पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन रमोना आंड्रे को अपने घर ले जाती है और वो दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद आंड्रे फिजिकल होने से मना कर देता है, लेकिन वो रमोना के गुस्से में उंगली काटने की वजह से बेहोश हो जाता है,
और सुबह आंड्रे की रमोना के बेड पर आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों कल रात फिजिकल हुए थे। देन रमोना थोड़ी देर बाद उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और उसे बताती है, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आंड्रे भी सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप इंजॉय करने लगता है। तभी एनिमोना का मैसेज आता है कि वो उसे बस स्टॉप से पिक कर ले। देन आंड्रे एनिमोना को पिक करके अपने घर ले आता है और आंड्रे की मॉम एनिमोना के साथ उसकी बचपन की फ़ोटोज़ देख रही होती है। तभी एंड्रे को रमोना का कॉल आता है। देन एंड्रे बाथरूम में आकर फ़ोन पिक करता है और बताता है कि वो उससे एक या दो हफ्ते तक नहीं मिल सकता। ये सुनकर रमोना गुस्सा होती है। तभी एनिमोना बाथरूम नॉक करती है। देन एंड्रे हेजिटेट होकर रमोना का फ़ोन कट कर देता है। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहाँ एंड्रे सैड होकर अपनी मॉम से पूछता है कि वो दोनों में से किसे चूज करे, रमोना या एनिमोना। देन एंड्रे की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा दिल करे तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनना, चाहे वो रमोना हो या एनिमोना। देन आंड्रे को मिडल ऑफ द नाइट रमोना का कॉल आता है कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है। आंड्रे रमोना के पास जाकर बताता है कि अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और रमोना को वहाँ से चले जाने को कहता है। देन रमोना सैड होकर चिल्लाने लगती है, बट वो डोर क्लोज करके अपने घर वापस चला जाता है। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद बुकापेस्ट में। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि आंड्रे जो कि एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है और एनिमोना के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप इंजॉय कर रहा होता है। देन मूवी में आगे एंड्रे की मुलाकात एक क्लब में रमोना के साथ होती है। यहाँ वो दोनों अपनी पास्ट की मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। तभी एंड्रे को एनिमोना का मैसेज आता है और वो उसे जाने को बोलता है, बट रमोना रिक्वेस्ट करती है कि भी थोड़ी देर और रुक जाओ, बट एंड्रे मना करता है और जाने लगता है। देन क्लब के बाहर टैक्सी का वेट कर रहा होता है, लेकिन रमोना एंड्रे को अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए कन्फेस कर लेती है। देन वो कार में बैठकर जा रहा होता है और रमोना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बता रही होती है, और दूसरी तरफ एंड्रे टेक्स्ट पर एनिमोना के साथ बात कर रहा होता है। इन शॉर्ट एंड्रे इनडायरेक्टली रमोना को इग्नोर कर रहा होता है। देन रमोना गुस्से में तेज गाड़ी चलाने लगती है और फिर एंड्रे गाड़ी रुकवाकर उससे बात करने की रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों रुककर इमोशनली बातें करते करते इंटीमेट हो जाते हैं। देन मूवी का सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ एंड्रे अपने घर जाता है और उसे पता चलता है कि एनिमोना उसे छोड़ के जा चुकी है। तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि डिड यू रियली थिंक आई एम गोना लेट यू बी हैप्पी, नो आई वॉन्ट अलाउ इट, सक इट। तो आपको बता दें कि ये मैसेज रमोना की तरफ से हो सकता है, बिकॉज वो एक्चुअली एंड्रे से रिवेंज लेने आई होती है। देन मूवी में थोड़ी देर बाद एंड्रे को एक अननोन वॉइस सुनाई देती है जो कि माइट भी उसकी फ्यूचर से हो सकती है, नॉट श्योर। वो वॉइस एंड्रे को उसकी गलतियां बताती है और वो उसे एक चांस देती है उसको अपने पास्ट में जाने के लिए। एंड्रे चूज करता है कि वो मूवी के स्टार्ट में क्लब वाले सीन पर जाना चाहता है। देन वो क्लब जाता है जहाँ सिल्वियो उसे रमोना के साथ हुकअप करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, बट इस बार एंड्रे सिल्वियो को हार्ड पंच देता है। एट दी एंड एक बार फिर उसे वो फ्यूचर वाली वॉइस सुनाई देती है और कहती है, अगर वो चाहता तो वो लास्ट नाइट जाकर रमोना को मना कर सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।